सुमे जी, आज देखिए आप नई सब्जी बनाने जा रहे हैं, ग्वार की फली। इसको आप, ये परदेसी वाली फली होती है लंबी वाली, इसको आप एक सीटी के लिए उबाल लीजिए। उबाल के फिर हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको हम छीलेंगे, हम इस तरह से दोनों साइडों से इसके वो निकाल देंगे जो ये मुँह में नहीं आती हैं, बच्चों के या बड़े कोई भी खाएँ आसानी से खा लेते हैं। अब मैं पूरी ये फली छील के दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, देखिए अब मैंने ये फली छील के तैयार कर ली है। और इधर मैंने इसको छोंकने के लिए कढ़ाई में पहले मैंने तेल चढ़ा दिया, देख लीजिए एक बड़ा चमचा भर के डाला है और उसको गर्म हो रहा है। जब तक मैंने लहसुन छील के लहसुन कूट लिया था, इसमें कम से कम 25 से 30 कलियाँ लहसुन की हैं और ये 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जिसको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम छोंक के, तेल गर्म हो गया देखिए हमारा, पहले फिर सिर्फ लहसुन डालेंगे। ग्वार की फली में जितना लहसुन अच्छा है, जितना डालो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी हरी मिर्ची भी साथ के साथ डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा लाल होने तक लहसुन को पकाया जाएगा। इसको कूट के ही डालें, लहसुन को काट के नहीं डालें, कूटने से अच्छा टेस्ट आता है, इसका सारा रस बाहर आ जाता है, इसलिए हमेशा लहसुन को कूट के ही डालें। ग्वार की फली हो या हरी सब्जी हो, पालक वगैरह, तो कूट के अच्छा लगता है। देखिए जी, अभी पकाते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट हो गया है मेरे को, ये लहसुन पक चुका है। अब इसी टाइम पर मैंने गैस सिम कर दी है। अब इसमें जितनी तीखी आप सब्जी खाना चाहते हैं उतनी तीखी कर सकते हैं। इसमें मैंने लाल मिर्ची डाली है, 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची डाल दी है। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे और इसमें आधी से थोड़ा ज़्यादा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा, क्योंकि फली अलग मैंने आधी किलो के करीब ली थी, इसलिए अलग अलग है, जैसा स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। और इसी टाइम पे हमने फली डाल देनी है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए, जितना टाइम इसमें पानी रहेगा आप पकाते जाइए सिम करके गैस को, जब तक पानी सूख ना जाए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह की फली बनेगी। 5 से 10 मिनट हो गए, अब इसमें से तेल भी काफ़ी बाहर आ गया, देखिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए तेल छोड़ दिया इसमें, अब पानी सूख चुका है। अब इसको आप गैस को बंद कर दीजिए, मैंने बिल्कुल सिम पे पकाया है। ये देखिए, मैं अलग से डाल के दिखा देती हूँ आपको। अब इसको आप रोटी के साथ खाना, बहुत टेस्टी बनती है ये। देखिए जी, चम्मच में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। धन्यवाद।